जिल्ह्यात बस स्थानक ऑटो व शहरात प्रवास करताना महिलांच्या गळ्यातील व पर्समधील सोन्याचे दागिने चोरी करणारी महिला टोळी शहरात सक्रिय असून असाच एक प्रकार समोर आला आहे, ज्यात जैताळाहून झाशीराणी चौक येथे ऑटोने येत असलेल्या महिलेच्या पर्सवर चोरट्या महिला टोळीने हात साप केला. या प्रकरणी सीतावर्डी पोलिसांनी दोन महिलांना अटक केली असून आणखी काही गुन्ह्यांचा खुलासा होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. ये बात सही है कि तारीख 8/5 को एक गुना रजिस्टर हुआ था, उसमें एक महिला फिरियादी ममता विक्की राखड़े जैताड़ा के रहने वाले हो, जैताड़ा से झांसी रानी चौक आने के लिए बैठे थे ऑटो रिक्शा में, वहाँ से उतर के उनको रेलवे स्टेशन जाना था. तो उनको एक ऑटो वाले ने बोला कि आप उतरे हैं तो आपके दागिने वगैरह चेक किया क्या? फिर बाद में उसने चेक किया तो उसको ध्यान में आया कि उसके मंगलसूत्र और चेन लॉकेट और चांदी के जोड़वे की जो पर्स में रखा था वो नहीं है. तो फिर वो रिपोर्ट देने के लिए आई बर्डी पुलिस स्टेशन में. बर्डी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दाखिल होने के बाद बर्डी की डीबी स्क्वाड संतोष कदम, ज्योत्सना भावसार और ये सब कविता जगताप, ये महिला टीम, ये गौतम मुंडे बुहेर और इन्होंने पूरा सेंडे चेतन सेंडे और सभी महिला रश्मि मोना और इन्होंने फिर एक टीम हमने बना दिया उनकी और इन्होंने पूरा जांच किया. तो जैसे जैसे वो जांच करते रहे वो आरोपी की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो गई और उसमें आरोपी अंजनाबाई अशोक हत्तागड़े और बायना भारत नाडे ये अजनी झोपड़पट्टी टोली के लोग निष्पन्न. उसके बाद में हमने माननीय सीपी साहब और माननीय जॉइंट सीपी मैडम इनकी परमिशन लेकर वहाँ पर आरसीपी पदक भेज के और लोकल पुलिस अजनी पीआई इनकी मदद लेके ये लोगों को ताबे में लिया. जैसे कि अजनी पुलिस स्टेशन के दरमियान झांसीरानी चौक और जो जोन फोर ऑफिस है अजनी का उस दरमियान उनको ऑटो में से जाते जाते ताबे में लिया और उनकी पहचान किया और पहचान करने के बाद में फुटेज और उसने उसकी जांच की और उनके पास में चौकसी किया. तो चौकसी में उन्होंने पुलिस को